तो दोस्तों ये पहुंच चुके हैं मेन मंदिर। तो ये देख सकते हो अगर मिलना है तो दोस्तों 1 बजे रात से। हाय दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अभी मैं हूँ रायगढ़ के कोसमनारा में और बाबा के धाम में हूँ, श्री सत्यनारायण बाबा। जैसे आप सभी लोग जानते हैं पूरा इंडिया में फेमस है। तो आज हम लोग आए हैं ब्लॉग वीडियो शूट करने के लिए, तो आप लोगों के यहाँ का व्यू वगैरह दिखाएंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ का व्यू वगैरह देख सकते हो, काफ़ी अट्रैक्टिव है। यहाँ पर धर्मशाला वगैरह है, अभी सत्यनारायण बाबा के फोटो है, आप मन देख सकते हैं यहाँ पर चिपका हुआ है। और ये है अपना धर्मशाला। तो यहाँ के व्यू वगैरह का आप देख सकते हो कैसे, किस तरीके से। आज संडे है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, सब गाड़ी गद देख रहे हो ना, पूरा ये सब पूरा इंडिया से आते हैं भाई यहाँ, है ना। तो हम छत्तीसगढ़ के हैं भाई, तो क्यों ना देखें यहाँ, देख सकते हो। तो यहाँ का व्यू वगैरह देख सकते हो, काफ़ी अट्रैक्टिव है। ये धर्मशाला है, पीछे में आप देख रहे हो ना, ये धर्मशाला है। तो चलिए चलते हैं, इधर है मेन जो मंदिर है जहाँ पर बाबा बैठता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, ठीक है। तो चलिए आप लोग दिखाते हैं यहाँ के व्यू कैसे हो, किस तरीके से है। ये जो दिख रहा है ना, यहाँ से मेन दरवाजा अंदर घुसने। तो चलिए अंदर घुसते हैं और आप लोग दिखाते हैं। तो यहाँ को भी देख सकते हो, मंदिर के प्रवेश द्वार है, यहाँ से शुरू हो जाता है अपना बाबा का धाम। ये मेन मंदिर है, यहाँ का व्यू वगैरह देख सकते हो। श्री सत्यनारायण बाबा कोसम नारा आप पीछे में देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो, है ना। तो ये प्रवेश द्वार है भाई, यहाँ का व्यू वगैरह देख सकते हो काफी। यहाँ पर श्री सत्यनारायण बाबा कोसम नारा ये नया बन रहा है, बाकी बिल्डिंग वगैरह देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अंदर घुस चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू वगैरह काफी अच्छी है। बाबा के धाम में हम लोग पहुंच चुके हैं, यहाँ के व्यू वगैरह। तो दोस्तों पीछे में देख सकते हो बाबा बैठा हुआ है, हम नज़दीक में जाके आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये पहुंच चुके हैं मेन मंदिर में भाई, पूरे इंडिया के लोग आते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ के। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो दोस्तों यहाँ पर भी वगैरह देख सकते हैं, तो ये देख सकते हो। तो ये क्या लिखा है भाई, आप देख सकते हो।
अगर मिलना है तो दोस्तों 1 बजे रात से सुबह 4 बजे तक खुला रहता है नेत्र, तो आप मिल सकते हो। अभी तो तपस्या में लीन है, तो कोई कुछ नहीं कर सकते, जैसे आप वीडियो में देखे होंगे, ठीक है ना। कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना, क्या है कैसा है, हिस्ट्री है, मतलब जैसे बाबा जी का संक्षिप्त परिचय है। तो और परिचय आप अच्छी तरीके से देख सकते हो, फोटो वगैरह मैं लगा दूँगा, ठीक है, तो यहाँ का भी वगैरह और देख सकते हो, इस तरीका से परिचित वाला है। और ये भाई इतना आश्चर्यचकित लग रहा है, इतना सारा छिलका है यहाँ पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू वगैरह, और तो ये मंदिर के अंदर का क्लाइमेट और वीडियो वगैरह आप देख सकते हैं।